नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज अग्रवाल। आप देख रहे हैं आपका प्यारा YouTube चैनल गार्डनिंग इज माय पैशन का हिंदी वर्सन। दोस्तों, ये गुलाब का सीजन है और अक्टूबर महीने में फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर हमने पूरे प्रूनिंग किया था यहाँ पर। और देखिए, 15 दिन पहले जो हमने प्रूनिंग किया था, इसमें जो नए नए ब्रांचेस है, ये देखिए सारे नए नए पत्ते आ रहे हैं आपको। बिल्कुल आपको दो तीन काम करना है, ये मैं दिखाता हूँ। यहाँ से शुरू होता है थोड़ा सा, और यहाँ से देखिए पत्ते लाल लाल रंग के पत्ते आते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इसके इसमें थ्रिप्स का अटैक होता है, माइट्स का अटैक होता है, ये बहुत ज़्यादा अटैक होता है। ये जो पत्ते जो पूरे हैं, ये जो इस तरह देखिए, ये जल जाते हैं पत्ते। ये देखिए, ये रेड माइट्स का अटैक है। ये पत्ते लाल पीछे की तरफ लाल टाइप के हो जाते हैं ये। और ये देखिए क्या हालत होती है, ये भी इसमें अटैक होगा, थ्रिप्स का और माइट्स का अटैक होगा, सारे पत्ते ख़राब हो जाते हैं। इसलिए क्या होता है, आपके जो गुलाब है वो अच्छे नहीं होते। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर थ्रिप्स और माइट्स का और एक अटैक दिखाता हूँ यहाँ पर। देखिए देखिए, ये पत्ते में दिखाता हूँ माइट्स का अटैक। देखिए, ये पत्ते हरे हो रहे थे लेकिन ये लाल हो रहे, ये सारे रेड माइट्स का अटैक है। इससे थ्रिप्स और माइट्स का अटैक हो जाता है, इससे क्या होता है आपका गुलाब बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो आपको मैं दो तीन बात बताता हूँ। पहले मैं बता दूँ कि गुलाब अगर आप ग्रो कर रहे हैं, तीन बातों का ध्यान रखें। गुलाब के लिए धूप बहुत ज़रूरी है, 5 से 6 घंटे के लिए धूप आवश्यक है गुलाब के फूल के खिलने के लिए। दूसरी बात है, इसको पानी बहुत चाहिए, आपको रेगुलर हर दिन पानी देना है। गुलाब को पानी ज़्यादा चाहिए, उसके साथ आपका गोबर का जो खाद है, गोबर का खाद गुलाब के लिए एकदम वरदान है। तो गुलाब अगर उगाना है तो आपको गोबर की 2 साल पुरानी खाद हो तो सबसे अच्छा है। अब मैं दिखाता हूं जो प्रूनिंग किया था मैंने 15 दिन या 20 दिन पहले, उसके बाद आपको क्या करना। देखिए यहां पर नए नए यहां पर ब्रांचेस आ रहे हैं। अब जो है नीचे की तरफ देखिए, नीचे की तरफ हमने यहां पर गड्ढा कर दिया चारों ओर, करीब 1 फुट डिस्टेंस में हमने पूरा गड्ढा कर दिया है। और देखिए मिट्टी हटा दी यहां पर से, मिट्टी हटाने के बाद करीब 5 दिन ऐसे रख दिया हमने ताकि इसमें पूरी धूप लगे, क्योंकि इसमें जितने धूप लगेंगे ये फंगस है, बैक्टीरिया, ये मर जाएंगे। तो आपके पौधे के विकास के लिए जैसे आपको धूप ऊपर चाहिए, वैसे मिट्टी में जड़ों को भी हल्की हल्की गर्माहट और थोड़ी थोड़ी धूप घुसनी चाहिए ताकि ये जो है पौधे का विकास बहुत तेज़ी से हो। इस तरह से देखिए, ये गड्ढे करने के बाद इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, इसमें हम खाद डालेंगे ताकि इसका जो विकास है, इसके जो नए नए टहनी निकले, नए नए ब्रांचेस निकले, नई नई कलियाँ निकले, उसके लिए नीचे बहुत ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत है। वो खाद मैं दिखाता हूँ, कौन सा मिक्सचर खाद मैं डालता हूँ वो ज़रूरी है। उसके साथ ये थ्रिप्स माइट्स का जो अटैक होता है उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। चलिए मैं देखता हूँ पहले क्या करता हूँ, इसका खाद दिखाता हूँ। इसका पहले देखिए, हर दिन हम लोग पानी देते हैं इसमें, ये भिगा हुआ है। 4 दिन पहले हम लोगों ने दिया था, धूप 3 दिन 4 दिन लगने के बाद इसमें हमने पानी डाल दिया अच्छी तरह से ताकि नीचे तक पानी चला जाए। ये देखिए, इसको कहते हैं थाली, इसको प्लेट्स के टाइप के हैं, गोल गोल करीब, इसको कहते हैं थाली, डिशेस टाइप की जो है ये बना लीजिए पहले। अगर गमले में आप उगा रहे हैं तो गमले के चारों तरफ जो है, गमले के मिट्टी के गमले के चारों तरफ एक नाली टाइप के बना लीजिए चारों कोने से, वहाँ पर आपको खाद डालना है। वो मैं दिखाता हूँ आपको, पहले उसको मिट्टी के जो है नाली टाइप के बना के उसके 3 से 4 दिन उसमें धूप लगने दीजिए, उसके बाद उसमें खाना क्या देना है। चले मैं दिखाता हूँ मिक्सचर फर्टिलाइज़र कैसे बनाते हैं, उसको डालने का तरीका, उसको देने का तरीका, उसके बाद इसको स्प्रे करने का तरीका, वो सारा मैं दिखाता हूँ। चलिए देखते हैं दोस्तों, ये मिक्सचर बनाया जा रहा है। यहाँ पर मोंटू घोड़ा ही दिखा रहे हैं आपको, ये करीब 2 किलो या 3 किलो का करीब हमारा वर्मी कॉम्पोस्ट लिया हुआ है। 3 किलो वर्मी कॉम्पोस्ट के साथ क्या क्या मिलाना है आपको देख लीजिए, ये आपको आइटम जरूरी है। अगर आपके पास मिक्सचर फर्टिलाइज़र है या फिर रोज फूड है तो वो भी आप डायरेक्ट डाल सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें डाल रहे सुपर फॉस्फेट है, 500 ग्राम सुपर फॉस्फेट डाला जा रहा है। सुपर फॉस्फेट में कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, और आपके लिए बहुत उपयोगी है क्योंकि गुलाब के लिए कैल्शियम और फॉस्फोरस दोनों बहुत ज़रूरी है। तो ये कैल्शियम फॉस्फोरस, कुछ इसमें सल्फर भी है, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा गुलाब के लिए। तो ये आपको 0.5 किलो डालना है, उसके साथ आपको डालना है ये सुफोला 250 ग्राम, NPK सुफोला 250 ग्राम। इसका जो कंपोजिशन है ये 10-26-26 है, ये आपको आसानी से मिल जाएगा, बहुत सस्ता आता है, ये किसान लोग खेती में बहुत यूज करते हैं। तो ये आपको NPK सुफोला दे दिया 250 ग्राम। इसके साथ आपको जो मिलाना है ये पोटास है, म्यूरेट ऑफ पोटास, जिसको लाल पोटास कहते हैं, वो आप दे दीजिए 100 ग्राम, 100 ग्राम के करीब म्यूरेट ऑफ पोटास डाल दीजिए। ये पोटासियम जो है आपको फूल लाने में, कलियां लाने में बहुत हेल्प करेगा। ये देखिए म्यूरेट ऑफ पोटास, अगर आपके पास म्यूरेट ऑफ पोटास नहीं है तो सल्फेट ऑफ पोटास भी डाल सकते हैं। ये देखिए म्यूरेट ऑफ पोटास डाला जा रहा है, और उसके साथ आप मिलाएंगे DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट, ये नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का सोर्स है, 18-46 का कॉम्पोजिशन है, और ये आपको मिलाएंगे DAP 250 ग्राम, 1 पाव के करीब आप DSP मिला लीजिए। इसका कॉम्पोजिशन आपको पता है कि DAP 18-46-0,
ये कॉम्पोजिशन है डीएपी का। ये चार चीज़ हमने मिलाया ये वर्मी कॉम्पोस्ट के साथ, ये आपका सुपर फूड बन गया है आपके गुलाब के लिए। अगर आपके पास मिक्सचर फर्टिलाइजर नहीं है तो आप इस तरह से मिक्सचर फर्टिलाइजर बनाइए, और इसका कितना अमाउंट में यूज करना है वो भी मैं दिखाऊँगा। अगर आपका ज़मीन में है जितना आपको मिलाएंगे जितना देना है, या फिर आपके पास 10 इंच के गमले में है तो उसका 1/4 आप दे देंगे तो आपका गुलाब के लिए आपको करीब मार्च तक जितने भी गुलाब खिलेंगे इसमें अलग से और खाद देने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए दे रहे हैं, अगर आप कंपोस्ट देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन ये देखिए मिक्सचर फर्टिलाइजर बन गया। अब ये हम इसको डाल के दिखाएंगे कितने अमाउंट में कितना डाला जा रहा है। चलिए देखते हैं, पहले लेते हैं इसको मिक्सचर फर्टिलाइजर। दोस्तों ये मिक्सचर फर्टिलाइजर बन गया है, अब आपको कैसे देना है। देखिए ये बड़ा पेड़ है इसमें और ज़मीन में है तो हम करीब 200 ग्राम के करीब देंगे इसमें। तो आप देखिए कैसे देने का तरीका जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह से चारों ओर फैला के दीजिए, जो हमने प्लेट बनाया है थाली बनाया है यहाँ पर, थाली के चारों ओर और एक बात का ध्यान रखें, ये देने के बाद आपको पानी देना है हल्का सा। पानी देने के बाद आपको करीब 2 या 3 दिन ऐसे ही खुला रख देना है ताकि इसका डिकम्पोजिशन अच्छी तरह से हो, ताकि ये पानी के साथ इसका रस चूके एकदम नीचे तक जाए। ऐसे हम कर देंगे 3 से 4 दिन बाद आपको क्या करना है, ये मिट्टी जो है हमने कवर कर देनी है 3 से 4 दिन बाद, अभी नहीं करनी है। 3 से 4 दिन बाद मिट्टी आपको कवर करके ऊँचा कर देना है, आपको हर दिन पानी देना है ये बात का ध्यान देना है, और आपको अलग से कोई खाद देने की अभी और ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको दिसंबर में या मार्च में जनवरी में आपको चाहिए तब आप इसमें थोड़ा सा कंपोस्ट खाद वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, लेकिन ये जो खाद है सुपर मिक्सचर फर्टिलाइजर है, ये सबसे आसान तरीका मैंने बताया। बहुत तरह का मिक्सचर फर्टिलाइजर बनता है, कोई भी मिक्सचर फर्टिलाइजर डाल सकते हैं, लेकिन ये सबसे आसान कंपोजिशन है। आपको प्रोपोर्शन भी बताया उसी तरह से बनाइए, और अगर आप गमला में दे रहे हैं तो 50 ग्राम आपको देने के लिए काफ़ी है एक गमले के लिए, 10 इंच के गमले के लिए 50 ग्राम ये मिक्सचर फर्टिलाइजर दीजिए, बहुत हो जाएगा। आप देखते हैं ये जो है थ्रिप्स माइस के अटैक नहीं हो, ये पत्ते तो है बहुत अच्छी तरह से ग्रो करे। ये मैं दिखाता हूँ आपको क्या स्प्रे करना है। दोस्तों थ्रिप्स माइट्स के अटैक के लिए आपको 2-3 चीज़ मैं बताता हूँ। अगर आपके पास ओमाइट टाइप का है, कोई भी माइट्स का कंट्रोल का कोई भी इंसेक्टिसाइड है एकरीसाइड है, तब आप स्प्रे कर सकते हैं। 1 ml/L आपको स्प्रे करेंगे, 5 दिन बाद में 2 बार स्प्रे करना है। अगर नहीं है तो सबसे अच्छा है, मैं आपको दिखाता हूँ 3 चीज़ें मैं दिखाता हूँ। पहली जो है ये ATM है, ATM हर जगह नहीं मिलता है लेकिन ये बहुत कामगार चीज़ है ये ATM। ये 1 ml/L या 2 ml/L देंगे, इसमें देखिए क्या क्या कंट्रोल करता है। इसके देखिए कंट्रोल करता है थ्रिप्स, कंट्रोल करता है माइट्स, वाइट प्लाई, और इसके साथ है एफिड्स और जैसिड्स, यानी कि गुलाब के जितने लगते हैं सारे इसमें कंट्रोल हो जाएंगे। या फिर आप थीटा दे सकते हैं, ये थोड़ा कॉस्टली है, थीटा भी कंट्रोल करने के लिए 4 हर तरह के जो है 1 से 1.5 ml/L लेके ये थ्रिप्स माइट्स के लिए स्केल्स थ्रिप्स माइट्स, ये गुलाब के लिए एकदम वरदान है। ये आप दे सकते हैं 1 से 1.5 ml/L दे सकते हैं, और उसके साथ प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर के हिसाब से सुपर सोनाटा दे सकते हैं। ये डब्बा मैं खोल के दिखाता हूँ आपको, ये प्रोडक्ट है सुपर सोनाटा, ये गुलाब के लिए आप ज़रूर दीजिए 1 ml या 2 ml/L दीजिए, और आप देखिए गुलाब में भी, खास करके अगर आपके पास गमले में है तो ये सुपर सोनाटा आपके लिए वरदान साबित होगा, ये मैं दावा से कह सकता हूँ। लेकिन ये जो है मैं आपको दिखाता हूँ, ये लेके मैं आपको दिखाता हूँ करीब 1 से 2 ml/L, ये देखिए लिक्विड, ये 100% ऑर्गेनिक है, ये करीब 1.5 ml/L में लिया हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि गुलाब में ये देना है, आपको कोई भी फूल के पौधे में, आप कोई भी तरह के परमानेंट फूल के पौधे हो, टेम्पोरेरी फूल के पौधे हो, सीजनल फ्लावर फूल के पौधे हो, हर एक में आप दे सकते हैं। और इसको देने का तरीका मैं बताता हूँ, ये आपको देना है शाम के वक्त, सुबह के वक्त नहीं दे, क्योंकि इंसेक्टिसाइड सुबह की तरफ प्रयोग करने से जो भी आपके बेनिफिशियल इंसेक्ट्स है, जो मधुमक्खी है वो मर सकती है, तितलियाँ मर सकती है, इसलिए हम करते हैं इसको करते हैं हम करीब शाम के वक्त। अच्छी तरह से जो भी पत्ते निकल रहे हैं, जो भी टहनियाँ हैं, अच्छी तरह से आपको स्प्रे कर देना है। पूरे पत्ते को ऊपर से नीचे तक, पीछे तक,
आपको अच्छी तरह से स्प्रे कर देना है। 5 दिन बाद एक बार करना है। अगर अटैक ज़्यादा हो तो तीसरी बार आप और 5 दिन बाद एक बार आपको अटैक करेंगे। तो ये जो है आपको मैं एक महीना बाद दिखाऊंगा, पूरा जो बगान है वो पूरा भरा रहेगा पत्तों में और पूरा कलिया से भरा रहेगा। एक एक मोटी मोटी कलिया आएगी, इतने बड़े बड़े फूल खिलेंगे, हजारों फूल खिलेंगे। आप देखते रहिए, मैं आपका बगान पिछले साल भी आपने देखा होगा कि मैंने कितना सुंदर बगान हजारों फूल खिले थे, इस बार और भी ज़्यादा फूल आएगा मैं आपको दावा से कह सकता हूँ। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद है, पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।